क्या आप भी बिना कॉपीराइट वाला वीडियो ढूंढ रहे हैं तो आपकी तलाश हुई ख़त्म। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से बिना कॉपीराइट वाला वीडियो आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको 6 पार्ट बता चुका हूं, जिसमें मैं आपको ये बताया हूं किस तरीके से फ्री में आप जो है विदाउट कॉपीराइट वाला वीडियो, इमेजेस, साउंड और इफेक्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे। और ये जो है पार्ट 7 है, मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि किस तरीके से जो है फ्री में आप जो है वीडियो क्लिप्स एंड लुप्स आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे। ये वेबसाइट है lifeofhits.com। तो lifeofhits.com से मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से बिना कॉपीराइट वाला आप वीडियो आप से डाउनलोड करेंगे और जो है आप इसको अपने प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से lifeofhits.com से आप किस तरीके से फ्री में वीडियो क्लिप्स एंड लुप्स आप कैसे डाउनलोड करेंगे। और आपका कोई चैनल है, अगर आपका कोई YouTube चैनल है या कोई भी चैनल चलाते हैं और आप वीडियो बनाते हैं तो अपने वीडियो में आप जो है बैकग्राउंड के म्यूजिक के तौर पे जो है आप म्यूजिक भी लगा सकते हैं, फोटो और जो है वीडियो आप जो है अपने वीडियो में लगा सकते हैं। तो lifeofhits.com से किस तरीके से फ्री में बिना कॉपीराइट वाला जो है आप किस तरीके से वीडियो डाउनलोड करेंगे, ये देखने के लिए इस वीडियो को तो भैया आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से जो है आप जो है lifeofhits.com से फ्री में बिना कॉपीराइट वाला जो है वीडियो आप कैसे डाउनलोड करके आप अपने इसको अपने वीडियो में बैकग्राउंड के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर जो है आप इधर उधर साइड से उठाते हैं, अगर उठा लेते हैं, अगर आप अपने चैनल पर अपलोड कर लेते हैं, अगर आपके चैनल पर 3 बार जो है कॉपीराइट का स्ट्राइक आ गया भैया, तो आपका चैनल हो जाएगा परमानेंटली बंद। तो ये सब बचने के लिए मैं जो इससे पहले 6 पार्ट बताया हूँ और उससे पहले भी मैं आपको वीडियो बना के कई वीडियो दिखाता रहता हूँ, तो सोचा मैं इस पर पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो बना दूँ। इससे मेरे व्यूअर्स है और जो मेरे सब्सक्राइबर है, अगर वो इधर उधर से जो है फोटो, इमेजेस, म्यूजिक, साउंड क्लिप उठाते हैं और अपने वीडियो पर अपलोड कर रहे हैं, तो वो सतर्क हो जाए, क्योंकि भैया अगर आपके चैनल पे जो है कॉपीराइट का स्ट्राइक आ गया तो आपका चैनल जाएगा परमानेंटली बंद। तो मैं जो आपको वीडियो बता रहा हूँ, जो मैं आपको सेट बता रहा हूँ, इससे पहले 6 पार्ट बता चुका हूँ, ये 7 पार्ट है और आगे भी मेरा पार्ट आने वाला है, तो सब वीडियो जो है आप बारी बाय बारी जाके देख सकते हैं और जो है आप जो है कॉपीराइट वाला जो है वीडियो, म्यूजिक, साउंड से बच सकते हैं और अपने चैनल को परमानेंटली बंद होने से बचा सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में lifeofhits.com से ये बताऊंगा किस तरीके से बिना कॉपीराइट वाला जो है आप किस तरीके से वीडियो क्लिप्स और लुप्स डाउनलोड करेंगे और इसको जो है आप अपने वीडियो में बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरा पार्ट 7 वीडियो है, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा किस तरीके से आप जो है lifeofhits.com से किस तरीके से विदाउट कॉपीराइट जो है वीडियो HD, Full HD और 4K तक आप कैसे वीडियो को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, कोई ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है lifeofhits। यहाँ पे देखिए lifeofhits.com आ चुका है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो है ये जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि lifeofhits का जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्री वीडियोस एंड क्लिप्स एंड लुप्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, नीचे आने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं आपको हर कैटेगरी में यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते रहिए, यहाँ पे देखिए कि आपको जो है, और या आप चाहे तो इसमें से भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑल जो है इस पर क्लिक करके जितने भी वीडियो रहेंगे वो आप नीचे ये वीडियो आप देखिए यहाँ पर ऑल वीडियो और यहाँ पर आपको वीडियो आ जाता है। तो यहाँ पर आपको HD, Full HD और 4K तक का वीडियो मिल जाता है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर देखिए हर पे जो है आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे मैं डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। डाउनलोड में क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए आपको जो कौन से कैटेगरी में लेना है वो आपको यहाँ पर सारा कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए HD, यहाँ पर आपको
1080, यहाँ पे 1440, यहाँ पे देख रहे हैं 2160। तो यहाँ पे जो है आपको हर कैटेगरी का यहाँ पे आपको जो है वीडियो मिल जाता है। जो भी कैटेगरी का आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पर डाउनलोड वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जो है आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, आपको जो भी क्वालिटी में चाहिए। यहाँ पर देखिए कि 2.1 MB का है, तो इसको डाउनलोड होने दीजिए। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है, मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। चलिए इसको डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कि मैं इसको कम रेजोल्यूशन में डाउनलोड किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि आपको कितना शानदार यहाँ पर ये वीडियो है। जितना क्वालिटी में आप डाउनलोड करेंगे उतना क्वालिटी में ये वीडियो आपको शो करेगा। सो गाइस, इस तरीके से जो है lifeofvids.com से जो है आप एक से एक वीडियो जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो भी क्वालिटी में चाहिए या जो भी में चाहिए आप यहाँ पर सर्च करके उसको आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको हर क्वालिटी का वीडियो मिल जाता है, तो जो भी आपको पसंद है बस इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन आ जाता है। रेजोल्यूशन में से आप चूज कर सकते हैं कि आप जो है कौन सा क्वालिटी पसंद करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको MB भी शो कर देता है कि कितने MB का ये वीडियो सब है, और यहाँ पे आपको यहाँ पिक्सल यहाँ पे शो कर रहा है कि कितने बाय कितने का ये वीडियो है, और यहाँ पे आपको क्वालिटी भी शो कर देता है। ये जो है आपको जो है आप देख रहे हैं lifeofvids.com से जो यहाँ पे आप जो है वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना आपको जो है MB भी शो कर देता है कि इतने MB का है। तो आपको जो भी पसंद है आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से कट कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको ढेर सारा जो मिल जाता है वीडियो, यहाँ से जो है आप मोर वाले पर जाकर लोड मोर पर क्लिक करके जितने रहेंगे इसके नीचे आप जो है शो कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर जैसे लोड मोर पर क्लिक किया हूँ तो यहाँ पर देखिए आ चुका है। आपको जो भी पसंद है इस पर क्लिक करके जो है आप ले सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं फ्री पिक्सल पर क्लिक कीजिएगा, तो जो भी फ्री पिक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आपको नीचे शो कर देगा। यहाँ पर देखिए कि जितने फ्री हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी है वो आपको यहाँ फोटोग्राफी भी आपको शो कर देता है। जो भी आपको फ़ोटो पसंद है आप फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन है, गैलरी पर क्लिक करके जितने ही आपके गैलरी में फ़ोटो है इसमें वो सारे के सारे आपको यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर सारे के सारे जो फोटो आ जाता है यहाँ पर देखिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। तो यहाँ से जो है फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कलेक्शन है, कलेक्शन वाले पे क्लिक कीजिएगा तो वो सारे कलेक्शन यहाँ पे आपको शो कर देगा। जो यहाँ पे है सिटी है, यहाँ पर देखिए क्लाउड्स है, तो आपको जो भी पसंद है इसमें आप जो है क्लिक कर दे। जैसे यहाँ फूड है आपको फूड वाले पे क्लिक कर देना है, और जो भी फूड का जो है फोटो रहेगा वो सारे के सारे यहाँ पर देखिए आ चुका है। यहाँ पर जो ये वीडियो है फोटो आपको भी आ जाएगा इसमें, जो भी डाउनलोड करना है आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको रेजोल्यूशन आ जाएगा। रेजोल्यूशन में से आपको क्या करना है चूज कर लेना है कि आपको कौन सा क्वालिटी में आपको ये वीडियो चाहिए या फोटो चाहिए। तो गाइस इस तरीका से lifeofvids.com से आप बहुत ही इजी तरीका से यहाँ पे अपने पसंद के हिसाब से जो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको कितनी क्वालिटी का वीडियो चाहिए। तो गाइस इससे पहले जो मैं पार्ट 6 तक बता चुका हूँ कि जिस तरीका से जो है आप फ्री में फुल HD और 4K तक का कैसे वीडियो डाउनलोड करेंगे, फोटो डाउनलोड करें, कैसे म्यूजिक डाउनलोड करेंगे, तो उस सब वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। सो गाइस आपने इस वीडियो में तो ये सीख ही लिया होगा किस तरीका से बिना कॉपीराइट वाला lifeofvids.com से आप किस तरीके से वीडियो को डाउनलोड करेंगे, और तरह तरह के वीडियो आपको इस साइट पे मिल जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।